राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और बहनों।